गांडे के कैरा डाबर गांव में जल नल योजना का बोर्ड लगाने पहुंचे संवेदक के कर्मियों को ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने कर्मियों को बोर्ड लगाने नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना था कि सबसे पहले पूरे पंचायत में जल नल योजना में हुई अनियमितता को सुधारा जाए। सभी बोरिंग पॉइंट से पाइप को जोड़कर घर घर नल का पानी पहुंचाया जाए, उसके बाद ही बोर्ड से बोर्ड लगाने दिया जाएगा। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए एजेंसी के कर्मी मृत्युंजय यादव मौके पे भाग खड़ा हुआ, जबकि बोर्ड लेकर पहुंचे मजदूर और वाहन चालक भी कुछ देर के बाद बिना बोर्ड लगाए गांव से वापस चले गए। जानकारी के अनुसार रविवार को पंचायत के उप मुखिया टुनटुन रवानी, सुरेश रवानी, प्रदीप वर्मा, चंदर यादव सहित अन्य लोग पंचायत का भ्रमण कर रहे थे। इसी क्रम में जल नल योजना का बोर्ड लगाने एजेंसी के कर्मी मृत्युंजय यादव अन्य मजदूरों को लेकर पहुंचा। उपमुखिया सहित अन्य लोगों की नजर पड़ने पर सभी लोगों ने बोर्ड लगाने का विरोध किया। उपमुखिया सहित पंचायत के सक्रिय कार्यकर्ताओं को देखकर कैरा डाबर ओजाडी शीतला गांव के लगभग 100 ग्रामीण एकत्रित हुए और सभी लोगों ने बोर्ड लगाने का विरोध किया, जिसके बाद एजेंसी के कर्मियों और मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से कहा कि करीबांग पंचायत के मंडरो असहना ओजाडी करीबांग लालपुर शीतला कैरा डाबर महेशपुर गोविंदाडी परहेता चिरुडी भलुआ गांव के विभिन्न मोहल्ले में जल नल योजना के तहत लगभग 17 जगह बोरिंग किया गया है, परंतु संवेदक की लापरवाही के कारण किसी भी बोरिंग पॉइंट से ग्रामीणों के घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। किसी जगह जल मीनार को खड़ा किया गया है तो कहीं छोटा जल मीनार लगा दिया गया है, कहीं पाइप को टंकी से नहीं जोड़ा गया है। संवेदक की लापरवाही के कारण पूरे पंचायत के किसी भी गांव में जल नल योजना के तहत किसी भी घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होती है तब तक बोर्ड नहीं लगाने दिया जाएगा। सर हम लोग देखिए हमारा गांव में ये मोदी दिया है पानी वाला समझौता, जो नली में पानी दिया है पाइप वो देखिए आज हम लोग को गांव में बिखरा बिखरा हुआ है, उस पर ना गड़ा है बढ़िया से रोड में ऐसे खोड़ करके वोट के लिए। तो अभी कुछ सामान वो लेके आया था ठेकेदार या कौन था हम लोग तो नहीं जानते हैं, वोट लेके आया था तो हम लोग उसको विरोध किए कि पहले हम लोग को पानी दीजिए उसके बाद वोट लगाइए, अभी पानी भी नहीं मिला यार आप फाइनल वोट क्यों लगा रहे हैं भाई, यही बात हम लोग उन लोग को कहा, उन लोग अपना आपस चला गया, यही इतने हम लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ जितने भी लोग जमा हुए हैं सब अर्जुन सेना का आदमी हैं हम लोग, और अपना प्रचार प्रसार चुनाव है सामने में, प्रचार प्रसार में हम लोग निकले हुए थे, तो इसी क्रम में हम लोग देखें करीबांग पंचायत में कि जनरल भेज दिए, और आगे हम केंद्र सरकार से अपील करना चाहते हैं कि आपने जो भी योजना निकाले हैं पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा योजना है, लेकिन वहाँ से आते आते जो बीच के पदाधिकारी हैं बीच के इंजीनियर हैं जो भी हैं उनमें भ्रष्ट हैं सब मिले हुए हैं और सब पैसा खा खा करके जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। क्या समस्या था, क्यों जमा हुए थे? समस्या ये जैसे गर्मी का सीजन है और जल नल योजना जो मोदी जी सरकार का दिया हुआ है वो अधूरा काम करके जैसे कहीं बोरिंग हुआ है, कहीं इको कंच का इंगल लगा है, कहीं सोलर लगा है, लेकिन एक भी पॉइंट घर तक पानी नहीं पहुंचा है। और इस गर्मी को देखते हुए नाम देखे हम लोग बोर्ड में वो एकदम मनीष कुमार है सहायक का नियभिन का बबलू हंसदा वो लोग जो ये कर रहा है एक भी पॉइंट उन लोग को जांच करके ये करना चाहिए। वो लोग मिली भगत है पैसे के दुरुपयोग में पैसा लूट के वो लोग बैठे बैठे फाइनल कर रहे हैं। हम लोग अर्जुन सेना का नेतृत्व में हम लोग काम करने के लिए निकले थे फील्ड में, उसी दरमियान में हम लोग देखे कि जल नल योजना में बोर्ड फाइनली बोर्ड जो है उसको लगा रहा था, उसको इसका कार्यकर्ता जो है लोग आए हुए थे, हम लोग उसको विरोध किए और उसको यहाँ से खदेड़े कि जब तक जल नल योजना जो है वो पूरी तरह से जल और नल घर तक नहीं पहुँचे तब तक हम लोग ये फाइनल नहीं होने देंगे। इसी बीच में इसका ठेकेदार भी आया था वो भाग गया, बाकी हम लोग उसका टेम्पो वाला जो ऑटो में बोर्ड लेकर आया था उनको पकड़े और उनको उसको ये कहते हुए उसको यहाँ से हम लोग हटा दिए।